तो ऐसा नहीं है कि इससे हम सरकार बदल सकते हैं, लेकिन हाँ एक संदेश हम देश और प्रदेश में भेज सकते हैं कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके उनके खिलाफ हैं लोग, और लोगों की अब आंखें खुल रही हैं और लोग उनकी बातों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और विपक्ष का काम है मुद्दे उठाने का, तो वो लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और इस चुनाव के माध्यम से हम संदेश पहुँचाने का काम करेंगे सर। और मुझे नहीं लगता हमें कुछ नुकसान भी हुआ, हमें हमारी सीट निकली, हमारे पूरी जिले में से हमने भाजपा का सफाया करा, पक्का 100% जीत होएगी, इकरा हमारे साथ है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। उपचुनाव होने हैं और अब धीरे धीरे सारी पार्टियां अपने जो धुरंधर हैं उनको मैदान में उतार रही हैं, और ऐसे में हमारे साथ में इकरा संजी हैं जो कैराना कैंपेनिंग के दौरान आपने अच्छी तरीके से इनको देखा, कैराना को जिताकर अपने भाई नायदसन को तीसरी बार जिताकर अब मदन भैया को जिताने के लिए कतौली उपचुनाव में आ चुकी हैं। हमारे साथ में मदन भैया की जो मिसिज हैं वो भी हैं और इकरा जी हमारे साथ में हैं। पहला सवाल मेरा इनसे ये रहेगा, क्यों ज़रूरत पड़ती है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेताओं के बुलाने की? नमस्कार जी। नमस्कार। ज़रूरत तो देखिए, सत्ता की सरकार जो है हमारी भाजपा, उनके सारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, सभी लोग आ रहे हैं। इसी तरह जो विपक्ष के लोग हैं वो भी सभी अपने लोगों को उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही कुछ ही सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो सभी लोग अपना सहयोग देने आए हुए हैं, हम भी उसी लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको, वो जो मुद्दे रहते हैं किसानों वाले मुद्दे, आपने भी अपने क्षेत्र में शामली में काफ़ी किसान पंचायतें की, अब क्या लगता है कि किसानों के मुद्दे जो दबे हुए हैं, गन्ने की पेमेंट, आवारा, सबसे बड़ा जो पशु का हो गया आवारा पशुओं का, उस पर क्या मदन भैया के जीतने के बाद, क्योंकि वो बाहुबली भी हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, क्योंकि नहीं पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि इससे हम सरकार बदल सकते हैं, लेकिन हाँ एक संदेश हम देश और प्रदेश में भेज सकते हैं कि जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके उनके खिलाफ़ हैं लोग, और लोगों की अब आंखें खुल रही हैं और लोग उनकी बातों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और किसानों की जो फसलों का रेट ही अभी तक फिक्स नहीं किया है भाई, पुराने जो मील चले जा रही हैं और रेट अब तक फिक्स नहीं किया है, तो किसान की कितनी मजबूरी है कि उन्हें अपनी फसल देनी पड़ रही है लेकिन रेट अब तक नहीं आया, अब जो भी रेट आएगा उसी पे उन्हें भुगतान होगा उनका, लेकिन ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो ये सारे मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ने भी कल रैली में भी उठाए हैं, और विपक्ष का काम है मुद्दे उठाने का, तो वो लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और इस चुनाव के माध्यम से हम संदेश पहुँचाने का काम करेंगे सरकार तक। विपक्ष तो बिल्कुल चुपचाप बैठा है, मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव जी जैसे ही अभी तक नहीं, तो आपके भाई के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है, पहले आजम खान जी जेल में रहे उनके लिए कुछ नहीं कहा है, क्या कारण है विपक्ष चुप बैठा है? मायावती जी बिल्कुल साइलेंट ही हो गई हैं, उनका तो पता ही नहीं है, है नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए आपने खुद कहा हम लोगों ने यहाँ पर कितनी किसान पंचायतें करी, और जयंत जी भी हमारे बीच में आए, और अखिलेश जी भी, एक उनके घर पर एक हादसा भी हो गया था नेताजी का जो देहांत हुआ, तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो लगातार फील्ड में है, मैनपुरी के चुनाव में उन्होंने हमें निर्देश दिया कि आप लोग वहाँ पर लगिए, चुनाव में मेहनत कीजिए, तो सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारी लड़ाई है देखिए उसमें कानूनी है, अब वो अदालत के अधीन है और हम अपनी कानूनी पैरवी कर रहे हैं उसमें किसी के देखिए कहने से अगर हम बाहर आ सकते तो वो हम वो कहलवा लेते अपने नेता से, लेकिन क्योंकि अब कानून के जरिए ये मामला होना है तो कानून में पैरोकारी हम पूरी कर रहे हैं, उसमें हमारा वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती, 17 में जीती, 22 में जीत गई, आपको क्या कारण लगते हैं उसके पीछे? क्या आपको नहीं लगता जो विपक्ष के नेता हैं वो सोए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के रूप में 24 घंटे कार्य करते हैं, ये केवल बरसाती मेंढक की तरह आते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर आएंगे चुनाव फिर उछल कूद कर देंगे फिर बैठ जाएंगे? आपको नहीं लगता योगी जी उतर चुके हैं मैदान में, अमित शाह जी उतार दिया, आपने तो कैराना में देखा भी, गृहमंत्री होते हुए भी वो प्रचार के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी ने एक भी रैली कैराना में नहीं की, क्यों? देखिए अपने अपने जो कैंपेन की स्ट्रेटेजी है उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि आपके वहाँ आप मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम एक इस तरह से कार्यक्रम करेंगे, तो वो सभी की सहमति से हुआ था उस कार्यक्रम में, जो पार्टी है वहाँ ऊपर से तय होकर आते हैं, और मुझे नहीं लगता हमें कुछ नुकसान भी हुआ, हमें हमारी सीट निकली, हमारे पूरी ज़िले में से हमने भाजपा का सफाया करा, तो वो कामयाब रहा कहीं ना कहीं तक। रही बात पूरे प्रदेश में जो सरकार आई, तो देखिए ये जो
सरकार है इसने इस तरह का भेदभाव लोगों के मन में डाल दिया है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि 80-20 तो इस तरीके से तो फिर कमजोरी आती ही है। लेकिन अब ये जो हम नया समीकरण लेकर चल रहे हैं जिसमें आज़ाद समाज पार्टी भी साथ में है, RLD है, समाजवादी है, तो एक अच्छा गठबंधन बन रहा है। कोई भी एक बिरादरी अकेले जीत नहीं सकती है, तो जो सामाजिक समीकरण बना के आगे चलते हैं वही कामयाब होते हैं। और ये एक कोशिश है, तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये वाला जो हमारा चुनाव है ये निकले और आगे के लिए भी ये हमारा गठबंधन मजबूत रहे। उनके पिताजी जहाँ भी जाते थे लगभग वो सीट जीत कर ही आते थे, तो क्या इकरा हसन के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, उनसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती मुकाबला करने की, लेकिन कोशिश है उनके पद चिन्हों पर चलने की। और हमारा फ़र्ज़ है जहाँ भी विपक्ष को मजबूत करने का, वो ही करेंगे और इंशाल्लाह उनकी तरह अल्लाह में कामयाबी भी अता कराएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहोगे जी? आप बताओ, जो पूछोगे हम वो बताएंगे। नहीं, जो चुनाव है, चुनाव जो हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है, जीत होगी या हार? पक्का 100% जीत होगी, इकरा हमारे साथ। अच्छा अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद।